Question is, describe the steps involved in biological method taking malaria as an example. तो बायोलॉजी जो है ये क्या है, ये भी साइंस की ब्रांच है, जिस तरह जो है साइंस के दूसरे ब्रांचेस में जो साइंटिफिक स्टडीज होती हैं उनमें क्या वो क्या होती है, सिस्टमेटिक वे में चल रही होती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है मेथड इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू जो है किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कवर करके उसको सॉल्व किया जाता है। तो जिस तरह दूसरे साइंसेस के ब्रांचेस में डिस्कवरीज होती हैं, इसी तरह जो है बायोलॉजी में डिस्कवरीज हो रही हैं, थ्योरीज में मॉडिफिकेशन आ रही हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है तो उस प्रॉब्लम को जो है फिर सॉल्व किया जा रहा है एक सिस्टमेटिक वे में है, और उसके क्या है कुछ मेथड्स हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये तमाम स्टेप्स जो है वो यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या या क्या चीज़ है जिसे डिस्कवर किया जाना है, कौन सी जो है न्यू थिंग्स जो है वो सामने आ रही है। देन उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन होती है, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन और समराइजेशन ऑफ रिजल्ट और रिपोर्टिंग, और उस जो रिजल्ट समराइज होते हैं उस रिजल्ट का जो है रिपोर्ट किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है किस तरह होती हैं, कौन से स्टेप्स हैं, ये मेथड है, हम अभी इसको देखते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड में जो है फर्स्ट स्टेप ये है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि बेसिकली जो है जिस चीज़ पे स्टडी करना है वो क्या है। तो बायोलॉजिस्ट जो है उस इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए जो है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये या तो ये वो क्वेश्चंस हो सकती हैं जो कि बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद अराइज होती हैं, या फिर जो है कोई और जो है इस क्वेश्चन को अराइज करता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सिस्टम के से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेते हैं, अगर बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि मलेरिया जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर डिजीज़। दूसरे डिजीज़ के रिस्पेक्ट से जो है मलेरिया से होने वाली डेथ का जो रेशो है वो ज़्यादा था। तो ये क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट के माइंड में राइज हुआ कि आखिर जो है ये रीज़न क्या है कि ये इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, क्या काउजेज है इस डिजीज़ के, ताकि उन काउजेज़ को जो है प्रिवेंट करके जो है वो सेफ रहा जा सके मलेरिया से। सेकेंड स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड का वो है ऑब्जर्वेशन। फर्स्टली हमने क्या है कि एक प्रॉब्लम को जो है रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली मलेरिया हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि मलेरिया स्प्रेड हो रहा है, तो उसके अंडरलाइन काउजेस क्या है। तो उसके लिए जो है कुछ ऑब्जर्वेशन की जाएंगी, ऑब्जर्वेशन होती क्या है, ऑब्जर्वेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को जो है यूटिलाइज करते हैं, और उसके अलावा जो है कुछ न्यू ऑब्जर्वेशन भी जो है वो की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन ये होती है कि उस चीज़ के बारे में जो है जो भी हम प्रॉब्लम को स्टडी करें उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन और डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाए। ये इंफॉर्मेशन और डेटा जो है किस तरह से कलेक्ट की जाती हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है फाइव सेंसेस को यूज़ करते हुए की जाती है। फाइव सेंसेस कौन सी होती हैं, हमारी विजन होती है कि हम उसे जो है अपने आई से ऑब्जर्व करें, इसके अलावा हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, इन तमाम सेंसेस को यूज़ करते हुए जो है हम ऑब्जर्वेशन मेट करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह की होती है, वो या तो क्वालिटेटिव होंगी या फिर क्वान्टिटिव होंगी, या बहुत क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव होंगी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन जो पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ये मेजरेबल होती है, मीन्स कि हम इसमें मेजरमेंट करते हैं, और ये मेजरमेंट जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है नंबर के फॉर्म में। जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में जो है कोई मेजरमेंट इंक्लूड नहीं होता है, किसी किस्म की जो है मेजरमेंट नहीं की जाती है, जस्ट उस चीज़ की जो है क्वालिटी को डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के एग्जाम्पल लें तो हम वाटर और उसके रिस्पेक्ट से जो है इथेनॉल को कंपेयर करते हैं कि एक लीटर ऑफ वाटर जो है वो हेवियर होता है एक लीटर ऑफ एथेनॉल से। तो ये क्या है, जस्ट ये अपने फाइव सेंसेस को यूज़ करके जो है ये ऑब्जर्वेशन की गई है, इसमें किसी किस्म की मेजरमेंट नहीं है और ना ही इसे नंबर के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है।
जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो हमने इसमें क्या मेज़र किया, हमने जो है हम मेज़र किया कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो है वो 1000 ग्राम पर कंसिस्ट करता है, जबकि 1 लीटर ऑफ इथेनॉल जो है वेट करता है 789 ग्राम्स में। तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये नंबर्स के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, और इसे जो है हमने मेज़र भी किया, कुछ जो है इसकी मेज़रमेंट की गई है। तो ये क्वांटिटेटिव जो है हम इस एग्जांपल के थ्रू ये देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस जो है खुद भी की जा सकती है अपने 5 सेंसेस के यूज़ करते हुए, मेजरमेंट्स करते हुए, बट ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें इंक्लूड होता है कि पास्ट में की गई स्टडीज जो कि दूसरे करते हैं, जो साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसने खुद नहीं की, बल्कि उससे पहले जो साइंटिस्ट जा चुके हैं, जो बायोलॉजिस्ट जा चुके हैं, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उस प्रॉब्लम्स रिलेटेड, उसकी रीडिंग और स्टडी करके भी जो है अपने साइंटिफिक नॉलेज को जो है वो ग्रो इन्हेंस किया जा सकता है, और चीज़ जो है बेटर ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ग्रो हो रही होती है, न्यू थ्योरीज आ रही होती हैं, पास में बनाई गई थ्योरीज में मॉडिफिकेशन की जा रही होती है, तो इस वजह से जो है पास में की गई स्टडी को भी यूज़ किया जाता है, उसकी रीडिंग की जाती है ताकि ऑब्जर्वेशन जो है वो बेहतर तौर पर की जा सके। नाउ ऑब्जर्वेशन के एग्जाम्पल, जो पास के बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने वो ऑब्जर्व किया कि मलेरिया जो है उन एरिया में कॉमन है जहाँ लोग जो है लो मार्शी एरिया में रहते हैं। इट्स मीन्स कि वहाँ पे जो है स्टैगनेंट वाटर की वजह से जो है एयर क्या हो गई है, पॉइजन हो गई है, एयर में जो है खराबी आ गई है, पॉल्यूशन आ गई है, तो ऐसे एयर को इनहेल करने की वजह से जो है उन्हें क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। तो इसी बिलीफ की वजह से जो है इस डिजीज का नाम क्या रखा गया था, मलेरिया। माला मीन्स क्या होता है, बैड, और एरिया मीन्स क्या है, एयर, मीन्स कि बैड एयर को इनहेल करने की वजह से जो है वो पीपल जो है वो मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। तो फर्दर जो है इस ऑब्जर्वेशन की क्लेरिफिकेशन के लिए जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे वॉलंटियर्स ने क्या किया कि स्टैगनेंट वाटर को जो है ड्रिंक किया, बट उन्हें जो है मलेरिया नहीं हुआ। तो जैसे जैसे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की गई तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, और उस प्रॉब्लम के जो है डिफरेंट काउजेस जो है वो डिस्कवर हुए। तो 19वीं सेंचुरी में क्या होता है कि मलेरिया के जो है बहुत से डिफरेंट काउजेस जो है सजेस्ट हुए थे, जिसमें से 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस वो क्या थी कि मलेरिया जो है उन एरिया में होता है जहाँ क्या है जहाँ जो है मार्शी एरिया है, वहाँ के पीपल जो है मलेरिया का सफ़र कर रहे हैं। क्विनीन जो है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो है इफेक्टिव ड्रग है। इसके अलावा जो है ये भी ऑब्जर्वेशन की गई कि जो ड्रिंकिंग वाटर की वजह से क्या हो रहा है कि मलेरिया नहीं हो रहा है, स्टैगनेंट वाटर जो है मार्शी एरिया के जो वाटर को ड्रिंक करने की वजह से जो है पीपल मलेरिया से इन्फेक्टेड नहीं हो रहे, बल्कि क्या रीज़न ऑब्जर्व हुआ कि प्लाज्मोडियम जो है उन मलेरिया पेशेंट की जो है ब्लड में देखी गई है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि ऑब्जर्वेशंस जो है वो नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जो अपने सेंसेस को जो है यूज़ करते हुए हासिल करते हैं वो है, और उसके अलावा जो है इनकी मेज़रमेंट भी हो सकती है और रिकॉर्ड भी किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन के बाद होती है हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस जो है ये क्या होती है, ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद जो है एज अ स्टेटमेंट के फॉर्म में साइंटिस्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। हाइपोथेसिस जो है ये वो स्टेटमेंट होती है जो कि ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ये वो स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में जो सर्टेनिटी नहीं होती है कि ये ट्रू है, बस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए जो है जितनी भी डेटा होती है और उसके बाद जो है साइंटिस्ट जो है एक एक्सपेरिमेंट या एक पॉसिबल आंसर जो है उस प्रॉब्लम का उसे स्टेट करते हैं। तो हाइपोथेसिस को जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ये जस्ट एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है जिसमें हम ये श्योर नहीं होते हैं साइंटिस्ट कि ये जो पॉसिबल आंसर है इस प्रॉब्लम का ये करेक्ट है या नहीं है। सो इस केस में जब मलेरिया के केस में जब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की गई तो मलेरिया के जो पॉसिबल काउज जो है वो क्या हम नज़र आया साइंटिस्ट को कि प्लास्मोडियम जो है ये पॉसिबल काउज है जिसकी वजह से जो है मलेरिया इन्फेक्शन जो है वो होते हैं, मलेरिया की जो डिजीज़ है वो होती है।
अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, उसमें बायोलॉजिस्ट जो है डिडक्शन हाइपोथेसिस से फॉर्म करता है। डिडक्शन क्या होती है, डिडक्शन जो है वो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होती हैं जो कि उस हाइपोथेसिस के रिजल्ट में आती हैं। तो इस पर्पस के लिए हाइपोथेसिस को जो है एज अ ट्रू जो है वो कंसिडर किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, हाइपोथेसिस क्या होता है, एक पॉसिबल आंसर होता है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है जिसके बारे में जो है साइंटिस्ट जो है वो श्योर नहीं होते हैं, वो एक ट्रू नहीं होता है बल्कि वो फॉल्स भी जो है प्रूफ हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है उस पॉसिबल आंसर को चेक किया जाता है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो डिडक्शन क्या होती है, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होती हैं कि जो हाइपोथेसिस बनाया गया है और अगर वो ट्रू प्रूव होता है तो उसके रिजल्ट तो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो नज़र आ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है हाइपोथेसिस को ट्रू कंसिडर किया जाता है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि इस हाइपोथेसिस से डिडक्शन जो है किस तरह मेड की जाती है, हाइपोथेसिस जो है डिडक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है इफ देन लॉजिक में। फॉर एग्जांपल, अगर हम मलेरिया के केस में जो है हमने हाइपोथेसिस क्या देखा था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की काउज है, कि प्लाज्मोडियम की वजह से जो है पीपल मलेरिया से इफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया के केस में जो है हाइपोथेसिस के बारे में भी बायोलॉजिस्ट जो है वो श्योर नहीं थे कि ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, उन्होंने जस्ट जो है प्लास्मोडियम को काउस बताया था। तो अगर प्लास्मोडियम के काउस को हम एज ए ट्रू जो है वो कंसिडर करते हैं तो उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होंगे, इफ प्लास्मोडियम इज द काउज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लास्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर वाकई में जो है प्लास्मोडियम जो है वो मलेरिया के काउज है, तो जितने भी पीपल जो मलेरिया से अफेक्टेड हैं उन तमाम अफेक्टेड पर्सन के ब्लड में क्या प्रेजेंट होने चाहिए, प्लास्मोडियम जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। सो ये थी डिडक्शन अबाउट मलेरिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है बायोलॉजिकल मेथड का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप होता है, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि जो स्टेटमेंट हमने बनाई वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस स्टेटमेंट को जो है वो टेस्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो हाइपोथेसिस जो है एज ए ट्रू एक्सेप्ट होती है, बट अगर एक्सपेरिमेंट जो है हाइपोथेसिस को जो है सपोर्ट करता है तो ट्रू होती है, और अगर सपोर्ट नहीं करता है तो वो जो है फॉल्स कंसिडर होती है, उसे इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूफ होती है उस हाइपोथेसिस को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। तो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो है उसके बेस पे जो है फर्दर जो है प्रिडक्शन की जाती है, फर्दर जो है नॉलेज की गेन की जाती है, उसी को जो है ट्रू वो जो हाइपोथेसिस ट्रू कंसिडर होती है उसके बेस पे जो है आगे फर्दर स्टेप्स होते हैं। मलेरिया के एग्जाम्पल में जो है डिडक्शन को जो है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन के जब टेस्ट किया गया तो 100 मलेरिया पेशेंट जो थे उनके ब्लड को जो है एग्जामाइन किया गया। इस पर्पस के लिए जो है एक कंट्रोल ग्रुप जो है हेल्थी पीपल के लिए गया। कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट जो है बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं चाहे वो बायोलॉजी या किसी भी साइंटिस्ट में, तो एक्सपेरिमेंट जो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। जो कंट्रोल क्या होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं जैसे कि जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारा टेस्ट होता है जिस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उसे जो है क्या कंसिडर करते हैं, टेस्ट ग्रुप कंसिडर करते हैं। और जो कंट्रोल होता है वो ग्रुप होता है उसमें वो वेरिएबल जो है एब्सेंट होता है जिसे हम टेस्ट करते हैं, ताकि उससे कंपेयर करके जो है अपने रिजल्ट को जज किया जा सके कि हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक है या फिर गलत है। तो टेस्ट ग्रुप जो है वो 100 मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन थे, और कंट्रोल ग्रुप जो है वो कौन से है, 100 हेल्थी पर्सन के जो ब्लड है वो कंट्रोल है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब टेस्ट किया गया अंडर माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जर्वेशन की गई, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता था, जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में क्या प्रेजेंट थे, प्लास्मोडियम प्रेजेंट था, जबकि 100 पीपल में से जो है 7 पीपल ऐसे थे उनके ब्लड में भी जो है प्लास्मोडियम प्रेजेंट था और 93 पीपल के जो है ब्लड में प्लास्मोडियम प्रेजेंट नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी कि प्लास्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वो क्या प्रूव हो गई, वो ट्रू प्रूव हो गई। नाउ
नाउ एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं, उस रिजल्ट को जो है बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट क्या करते हैं, समराइज करते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट. तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं वो क्या, उन रिजल्ट को जो है वो समराइज किया जाता है, उनको जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू जो है उनके उनसे कंक्लूजन ड्रॉ की जाती है. तो जो डेटा ऑब्टेन होता है उनको जो है क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की मदद से जो है उनके समराइज किया जाता है. फॉर एग्जांपल रेशियो, प्रोपोर्शन, जो है इस तरह के जो है मेथड्स और टेक्निक्स और फार्मूलाज जो है ऑब्टेन होने वाले डेटा पर जो है अप्लाई किया जाता है, और उसके थ्रू जो है कंक्लूजन ड्रॉ की जाती है कि जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वो रिजल्ट जो है क्या शो करता है. नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है जब उसके थ्रू कंक्लूजन ड्रॉ कर ली जाती है, तो ये रिजल्ट जो है ये फाइंडिंग्स जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं. पब्लिश जो है साइंटिफिक जर्नल्स या बुक के फॉर्म में की जाती है. तो जो फाइंडिंग्स होती है उसको साइंटिस्ट जो है जर्नल या बुक के फॉर्म में जो है किसी सेमिनार या मीटिंग्स में या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में टॉक्स में जो है प्रेजेंट करते हैं. ये साइंटिफिक मेथड का जो है एक एसेंशियल पार्ट है. क्यों? इस फाइंडिंग की मदद से क्या होता है कि दूसरे पीपल्स जो है उस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं कि जो रिजल्ट उन्होंने ऑब्टेन किया है वो ट्रू है या फॉल्स है, और इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए जो है फर्दर मजीद प्रॉब्लम्स को जो है फाइंड करने में हेल्प मिलती है. तो जो ऑब्जर्वेशंस में हमने अब स्टडी किया था फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ने जो हमने ये पॉइंट देखा था ऑब्जर्वेशन में कि फर्स्ट में की जाने वाली जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो काम दूसरों ने किया है उसको भी जो है साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, उससे भी नॉलेज हासिल करते हैं. नॉलेज जो है क्या है, उनके ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ताकि इसकी मदद से जो है बेटर वर्क करने में जो है हेल्प मिलती है. तो साइंटिस्ट जो है अपनी फाइंडिंग को जो है जनरली पब्लिश करते हैं ताकि दूसरे पीपल जो है उसकी मदद से जो है मजीद जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उसको दूसरे साइंटिस्ट जो दूसरे एरिया में रहते हैं, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वो इस रिजल्ट को जो है वेरीफाई करें. तो ये थे वो स्टेप्स जिसकी मदद से जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाती है. बायोलॉजिकल मेथड के ये वो स्टेप्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट में देखा कि इस रिज़ल्ट की मदद से जो है वो फर्दर मजीद प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया था कि प्लास्मोडियम जो है वो मलेरिया के काउज है. तो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हाउ प्लास्मोडियम गेट्स इन टू द ब्लड ऑफ द मैन, के प्लास्मोडियम जो है किस तरह हेल्थी पर्सन को इन्फेक्टेड करता है, किस तरह हेल्थी मैन के जो है ब्लड में इंटर होता है. सो अब दोबारा जो है यही स्टेप्स यूज़ करते हुए दूसरे साइंटिस्ट जो है या फिर वही साइंटिस्ट जो है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए.